हो रही है जी। जी हो रही है। यहाँ हमारे पास दो एप्स हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, ओरिफ्लेम एंड बिजनेस। ठीक है, ओरिफ्लेम की ऐप में सबसे पहले जाएंगे आप। सबको आइडिया होगा कि जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसी बिजनेस ऐप से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और अपना पासवर्ड और ब्रांड पार्टनर नंबर लगाकर आप इसे साइन इन करते हैं, तो इस तरह का पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइकन हैं जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर पर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर कुछ आइकन्स के साथ सबसे नीचे डाउन में ये जो आपको पांच आइकन्स भी नजर आ रहे हैं, इनका भी मैं आपके साथ जो है वो पर्पस शेयर करूंगी कि इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले हम ये जो हमारी ऐप है रजिस्टर, जिसके ऊपर मैंने साइन इन किया है, ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का। ठीक है, इसे हम टच करेंगे तो यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। ये वाला आइकन जो है ये आप अपने मेंबर को रजिस्टर करने के लिए यूज कर सकते करते हैं। ठीक है, एक तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन होती है जो आप अपने लिंक के थ्रू जो है अपने मेंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, वो आप वेबसाइट के थ्रू जाके अपना लिंक निकालते हैं, वो भी मैं आपको मेथड इससे नेक्स्ट ट्रेनिंग में सिखाऊंगी कि हम वेबसाइट पे किस तरह से जो है वो ओरिफ्लेम की ऐप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपको अपने जिस भी मेंबर को ऐड करना है उसका ईमेल लिखना है, फिर उसका नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, फिर सर नेम, आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर सारा कुछ वही डाटा आपने ऐड करना है जो आईडी कार्ड में अवेलेबल होगा। फोन नंबर ऐड करना है, फोन नंबर का फॉर्मेट दिया गया है कि उसे आपने 92 से स्टार्ट करना है, एड्रेस देना है, सिटी, जिप कोड। ठीक है, जब आपने जिप कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा जब आप सिटी ऐड करेंगे जी। यहाँ पर एक मेन ऑप्शन आता है, ये देखें, स्पॉन्सर, आई एम दी स्पॉन्सर, स्पॉन्सर इज इन माई डाउनलाइन। तो अगर आप अपनी डाउन में डायरेक्ट मेंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये जो सर्कल है, ये ग्रीन कलर का सर्कल है, इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे अपनी कहीं डाउनलाइन में ऐड करना चाह